जोया क्रिएशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए एक न्यू डिज़ाइन थालपोस बुन के बताते हैं। इस थालपोस बुनने के लिए हमें यहाँ पे 10 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे हमें बांध लेनी है, जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे। यहाँ पे हमें राउंड सर्कल बना देनी है, तो बनाते हैं, चलिए। इसके बाद आगे का बताते हैं कैसे बनेगा। ये राउंड सर्कल बनता है जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे ये बनकर रेडी हो चुका है। चलिए इसे बांध लेते हैं। यहाँ पे हमें बांध लेनी है। यहाँ पे 3 फंदे देनी है हमें, चैन देकर। 1 2 3 यहाँ पे हमें 5 चेन दे देनी है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे 8 फंदे देनी है। 1 2 3 4 5 सॉरी निकल गया। 5 6 7 8 यहाँ पे एक चैन देनी है। फिर यहाँ पे जो 3 फंदे लिए हैं वहीं से इस चैन के नीचे से यहाँ से पकड़नी है पीछे से और बांध लेनी है। 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 चेन देनी है। फिर यहाँ पे 3 फंदे देनी है। 1 2 3 यहाँ पे फिर से 5 चेन देनी है। यहाँ पे फिर से 8 फंदे देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर से सेम प्रोसेस, यहीं से फिर से बांध लेनी है। फिर से 5 चेन देनी है और यहाँ पे फिर से 3 फंदे देनी है। तीन फंदे हो गए हैं। यहाँ पे फिर से 5 चेन देनी है। फिर से यहाँ पे 8 फंदे देनी है। 1 2 3 चार, पाँच, छः, सात, आठ। यहाँ फिर से बांध लेनी है। फिर से यहाँ पे तीन फंदे देनी है। एक, दो, तीन। फिर से पाँच चंदनी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। फिर से आठ फंदे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। इस यहाँ से फिर से नीचे से बांध लेनी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। यहाँ पे पाँच चंद देनी है। फिर से यहाँ पे तीन फंदे देनी है। एक, दो, तीन। यहाँ पे पाँच चेन देनी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच। यहाँ पे फिर से आठ फंदे देनी है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। यहाँ फिर से साइड से बांध लेनी है। जहाँ भी आठ फंदे होगा पीछे से ही बंधेगा वहाँ पे, और जहाँ पे तीन फंदे हैं वहाँ सीधे डिजाइन जाएगा। सीधा सीधा तीन फंदों की डिजाइन चलेगी उतना दूर। यहाँ पे पांच चेन ले लेनी है। फिर से तीन फंदे देनी है। एक, दो, तीन। यहाँ पे फिर से आठ फंदे देनी है पांच चेन देकर। यहाँ पे आठ फंदे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। यहाँ से फिर से बांध लेनी है। आप देख सकते हैं इसके नीचे से बांध रहे क्रोशिया फंसाकर। यहाँ पे चेन देनी है। फिर से यहाँ पे दूसरी राउंड लगाने के लिए तीन चेन देनी है, सॉरी तीन फंदे देनी है। एक, दो, तीन। फिर से पांच चेन। यहाँ पे आठ फंदे। ये जो एक वाला फंदा था हमेशा बढ़ता जाएगा जब तक पांच फंदे ना हो जाए। ऐसा पांच डिजाइन। तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। यहाँ से बांध लेनी है। पाँच फंदे देने हैं यहाँ पे, फिर से यहाँ पे 8 फंदे देनी है, 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉरी 8 ही था। यहाँ पे 5 चैन देनी है, यहाँ पे 3 क्रोशिया देनी है, फिर से 5 चैन। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए आपको ये दूसरा राउंड लगाकर तीसरा बताते हैं। ये दूसरा राउंड चल रहा है। तो यह दूसरा लाइन कंप्लीट हो चुका है। चलिए तीसरा लाइन बुनकर बताते हैं। ये वाला जो पहले 1 था वो 2 हो गया, ऐसे 3 होगा, ऐसे करके 5 तक पहुंचेगा। तो चलिए इसका तीसरा लाइन बुनकर बताते हैं। यहाँ पे 5 चैन ले लेनी है, यहाँ पे 3 फंदे बुन लेनी है इस डिजाइन में, 1 2 3। यहाँ पे फिर से 5 चैन देनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 8 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पीछे से साइड से लेकर बांध लेनी है क्रोशिया से, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 फंदे, 5 चैन फिर से दे दिए हैं, यहाँ पे फिर से 8 फंदे देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे 1 चैन देनी है और इस साइड से लेकर फिर से यहाँ पे बांध लेनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 चैन देनी है, फिर से 8 फंदे देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे फिर से बांध लेनी हमें, 5 चैन देनी है और यहाँ पे 3 फंदे देनी है, 1 2 3। यहाँ पे 1 2 3। तो देख सकते हैं ये तीसरा लाइन बुनकर कंप्लीट हो चुका है। तो चौथा लाइन बताते बनाकर आपको कैसे बनेगा। यहाँ पे फिर से हमें 5 चैन लेनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 8 फंदे लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे एक चैन लेनी है, यहाँ इस साइड से क्रोशिया नीचे से ये पकड़ के धागा और यहाँ से बांध देनी है। फिर से 5 चैन लेनी है, यहाँ पे फिर से 8 क्रोशिया लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे एक चैन लेनी है, फिर इस धागे के नीचे से बांध लेनी है। पाँच चेन देनी है, यहाँ पे 5 चेन हो गया। 8 फंदे फिर से बुन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ फिर से इस धागे के नीचे से क्रोशिया डालकर यहाँ पे फंदे बांध लेनी है। यहाँ पे 5 चेन देनी है। 1 2 3 4 5। फिर से यहाँ पे 8 फंदे देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से यहाँ पे एक चेन देनी है, फिर क्रोशिया को बाहर निकालनी है और इस चैन के नीचे से पकड़ के फंदे को बांध देनी है। यहाँ पे फिर से हमें 5 चैन देनी है। 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 3 फंदे देनी है। 1 2 3। फिर से 5 चेन देनी है यहाँ पे। तो डिज़ाइन की चौथी लाइन कंप्लीट हो चुका है। 5वां लाइन बुनकर बताते हैं। यहाँ पे हमें फिर से 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5। यहाँ पे 8 फंदे लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे एक चैन देनी है, फिर इस चैन के नीचे से इसको बांध लेनी है। फिर से 5 चैन देनी है, यहाँ पे फिर से हमें 8 फंदे लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे चैन लेनी है, इस चैन को नीचे से बांध लेनी है। फिर से 5 चैन देनी है, यहाँ पे फिर से हमें फंदे देनी है, 8 फंदे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5वां लाइन बुनकर कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी 6ठी लाइन और डिजाइन चेंज करते हैं, बुनकर बता रहे हैं। 3 चेन देनी है, 1 2 3 और यहाँ पे 1 फंदे देनी है, सिंगल फंदा। यहाँ पे फिर से हमें 5 चेन देनी है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ये वाली डिजाइन 5 थी, 1 2 3 4 5 5 थी। तो अब यहाँ पे हमें 4 ही बनाना है। हम जितना बार भी बनाएंगे 1 घटता जाएगा। 3 4 5 6 7 8 फिर से हमें बांध लेनी है यहाँ से। पाँच चेन देनी है, फिर से 8 फंदे देने हैं। यहाँ पे आठ फंदे देकर हमें फिर से बांध लेनी है। फिर से 5 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे 8 फंदे लेनी है। फिर से यहाँ से बांध लेनी है। यहाँ पे फिर से हमें सिंगल क्रोशिया बिननी है और यहाँ पे 3 फंदे देने हैं, 1 2 3 यहाँ पे 3 फंदे देने हैं, 1 2 3 फिर से यहाँ पे चेन देनी है हमें। फिर से यहाँ पे हमें 3 चेन देनी है, 1 2 3 यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बुननी है, 1 यहाँ पे 5 चेन देनी है। फिर से यहाँ पे पहले जैसे बुन के ये वाली लाइन कंप्लीट करके दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये डिज़ाइन जब तक हम बनाएंगे, जब तक ये जो 5 वाली डिज़ाइन है 5 घर की, वो 1 पे ना आ जाए। जैसे ये है 1, वैसे 1 पे यहाँ भी आ जाएगा। पूरा को घटाते रहेंगे। तो चलिए पूरा बुन कर दिखा रहे हैं एक बार। तो यहाँ पे 6ठी लाइन बुनकर कंप्लीट हो चुका है। चलिए 7वीं लाइन बनाकर बताते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे 3 चेन लेनी है, 1 2 3 यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशिया लेनी है। यहाँ पे फिर से हमें 3 चेन लेनी है और यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया लेनी है। यहाँ पे फिर से 5 चेन लेनी है। ये देख सकते हैं, जितना बार भी बुनेंगे लाइन को, ये वाली डिज़ाइन घटते जाएगा और ये वाली बढ़ते जाएगा। चलिए ऐसे करके पूरा बुनकर बताते हैं आपको। यहाँ पे फिर से 5 चेन लेकर और यहाँ पे 8 फंदे डालनी हैं, 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे बांध लेनी है, फिर से 5 चेन देनी है, यहाँ पे फिर से 8 फंदे देनी है, जैसे पूरा में बना है वैसे ही बनेगा। तो ये वाली डिज़ाइन पूरी कंप्लीट करके आगे की डिज़ाइन बताते हैं हम। ये वाली पूरी डिज़ाइन कंप्लीट करके आगे का डिज़ाइन बताते बुनकर। इस डिज़ाइन की 7वीं लाइन कंप्लीट हो चुकी है। चलिए 8वीं बुनकर बताते हैं। ये वाली जो डिज़ाइन है यहाँ और यहाँ हमेशा से बढ़ता रहेगा और ये वाली जो डिज़ाइन है घटती जाएगी, एक पे आके ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें 3 फंदे लेनी है, सॉरी 3 चेन लेनी है और यहाँ पे 1 फंदे लेनी है, फिर से 3 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे 1 फंदे लेनी है, फिर से 3 चैन, 1 फंदे। अब यहाँ से यहाँ 3 डिजाइन बचा है, यहाँ के लिए 5 चैन लेनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमें 8 फंदे लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ साइड पीछे से इसके चैन को बांध लेनी है, फिर से 5 चैन देनी है, यहाँ पे फिर से 8 फंदे देनी है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे 3 चैन, यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे 3 चैन, यहाँ पे फिर से सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे 3 चैन, 3 फंदे, 1 2 3, यहाँ पे 3 फंदे, 3 फंदे के बाद 3 चैन देनी है, फिर से सेम चीज़ रिपीट करनी है। तो ये पूरी डिज़ाइन कंप्लीट करके आगे का बताते हैं। इस थालपोस्ट का लास्ट डिज़ाइन है, देखिए कैसे बन रहा है। यहाँ पे 3 चैन लेनी है और यहाँ पे सिंगल फंदे देकर फिर से 3 चैन लेनी है, यहाँ पे 8 फंदे लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमें इसे बांध देनी है, फिर से चैन देनी है। ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से एक सीधी सी लाइन पूरा सिंपल चलेगा एक एक फंदे का। तीन चैन सिंगल फंदा, पूरी लाइन इसी तरह से बुन लेनी है। तीन चैन सिंगल फंदा। चलिए बुन कर आगे का डिज़ाइन बताते हैं। यहाँ पे हमें पूरी डिज़ाइन सिंपल बुननी है और ये जो तीन फंदों का घर है ये हमेशा तीन ही बनता रहेगा और ये सिंगल वाले पूरा में सिंगल बनेगा और ये जहाँ जहाँ पे तीन फंदे वाले हैं तीन ही बनेगा। तो इसकी ये वाली डिज़ाइन पूरी बन चुकी है। चलिए इसका आगे वाला डिज़ाइन बताते हैं। जैसे ये डिज़ाइन घटा है और फिर बढ़ा है वैसे वो भी बनेगा। चलिए बताते हैं। यहाँ पे हमें चैन ले लेनी है, तीन चैन, और यहाँ पे 8 फंदे देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे फिर से हमें क्रोशिया को अंदर से फंसाकर बांध लेनी है। यहाँ पे हमें फिर से चैन देनी है, 5 चैन, फिर से यहाँ पे 3 फंदे देनी है। 1 2 3। यहाँ पे हमें फिर से 3 चैन देनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 8 फंदे देनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे इसके नीचे से चैन को खींच के बांध लेनी है, फिर से 3 चैन देनी है, यहाँ पे सिंगल फंदा देना है पूरा में। जब तक यहाँ नहीं पहुँच जाए जब तक पूरा में सिंगल फंदा देनी है। 3 चैन देनी है पूरा में और सिंगल फंदा। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, फिर से 8 फंदे, फिर से 3 चैन, फिर से 8 फंदे, फिर से 3 चैन, ऐसे ही करते हैं यहाँ तक आनी है। यहाँ पे हमें 8 फंदे देनी है। और इसे बांध लेनी यहाँ से। यहाँ पे 3 चैन देनी है, यहाँ पे 3 फंदे देनी है, फिर से यहाँ पे 3 चैन देकर 8 फंदे देनी है। यहाँ एक अलग डिज़ाइन तैयार होगा बनकर। पत्ती वाली डिज़ाइन चलिए इस डिज़ाइन को पाँच, ये वाली डिज़ाइन को 5 तक पहुंचाकर फिर से बताते हैं कैसे घटाना है। जब तक इसको बढ़ाकर 5 कर देनी है। जैसे यहाँ पे था 1 2 3 4 5, वैसे यहाँ भी 5 करनी है। पहली लाइन के डिज़ाइन में हम ये 1 डिज़ाइन डाले थे, दूसरी लाइन में 2 डाले हैं, तीसरी लाइन में चलिए तीसरा 3 बनेगा तो 3 बनाकर दिखाते हैं। ऐसे करके 3 4 5 5 पे जाकर ये रुक जाएगा, तो बुन कर दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे 8 चेन लेनी है। यहाँ पे हमें 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 8 फंदे लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे एक चैन लेनी है और इस चैन के नीचे से फिर से बांध लेनी है, वैसे ही जैसे सभी डिज़ाइन में बांधे हैं। यहाँ पे फिर से हमें 5 चैन लेनी है, 1 2 3 4 5। फिर से यहाँ पे 8 फंदे लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमें फिर से बांध लेनी है, फिर से 5 चेन देनी है, 1 2 3 4 5। यहाँ पे फिर से 8 फंदे लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे एक चैन देनी है और इस चैन को यहाँ से पकड़ के बांध लेनी है। फिर से 5 चेन देनी है। यहाँ पे 3 फंदे हमेशा बनते आ रही है, वहाँ पे फिर से हमें 3 फंदे ही देनी है, 1 2 3। जैसे यहाँ पे बढ़ाया घर वैसे यहाँ भी बनाना है, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, तो ये भी 3 डिज़ाइन बन जाएगा। यहाँ पे हमें 5 चेन लेनी है, 8 फंदे लेनी है, 8 फंदे लेनी है, फिर से बांध लेनी है इसे। यहाँ पे 5 चेन देनी है, यहाँ पे फिर से 8 फंदे लेनी है, 8 फिर से बांध लेनी है। यहाँ पे बांध कर 5 चेन देनी है, फिर से यहाँ पे डिज़ाइन बनानी है। यहाँ पे देख सकते हैं 5वीं लाइन पूरा रेडी हो चुका है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 5 यहाँ तक है और यहाँ से भी यहाँ तक 5 है। 1 2 3 4 5। तो चलिए इसको अब घटाना बताते हैं। यहाँ से अब घटेगा ये डिज़ाइन। हमें यहाँ से अब बढ़ाना नहीं है, घटाना है। सिर्फ ये जो गैप गैप है इसी में बुनना है। यहाँ पे हमें 3 चैन लेनी है, फिर से 8 फंदे लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे बांध लेनी है इस चैन के नीचे से लेकर। तो यहाँ पे देखिए ये 5 लाइन बुनकर तैयार हो चुका है। 5 लाइन की और 5वीं डिज़ाइन है। तो यहाँ से हम घटाना शुरू करेंगे। यहाँ से इस एक डिज़ाइन से बढ़ाना शुरू किए थे 5 तक और 5 से अब घटाना शुरू करेंगे। चलिए घटाकर बताते हैं। यहाँ पे हमें 3 चैन लेनी है। 1 2 3 यहाँ से फिर से 1 फंदे लेनी है, 3 चैन लेनी है। हम हमेशा यहाँ पे बढ़ाते थे, अब घटाना है तो बढ़ाएंगे नहीं, घटाना है तो यहाँ से घटाते जाएंगे। यहाँ देख सकते हैं। तो ये डिज़ाइन बन चुका है पूरा। चलिए इसका फाइनल लुक दिखाते हैं, पूरा रेडी होने के बाद कैसा दिखता है। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।